हाय फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हम क्विकली अपनी विंडो को शट डाउन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये फोल्डर बनाया है स्लाइडो शट डाउन नाम का, अगर मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा तो जो मेरी विंडो है वो स्लाइडो शट डाउन शो करेगी। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, मैं डबल क्लिक किया, देखिए स्लाइडो शट डाउन। मैं इसको स्लाइड करूंगा तो विंडो शट डाउन हो जाएगी, मैं शट डाउन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है जो ऑन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये शॉर्टकट कैसे क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं इस शॉर्टकट को डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस शॉर्टकट को डिलीट कर दिया, मैं आपको इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फिर आपको शॉर्टकट पे जाना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है परसेंट वेंडर परसेंट स्लैश सिस्टम 32 स्लैश स्लाइड टू शटडाउन। देखिए फ्रेंड्स, जो उसकी फाइल है वो नीचे आ चुकी है, हम इसको ओके कर देंगे। फिर आपको ये पूछेगा आपको अपने शॉर्टकट का नाम क्या रखना है, तो मैं सेम ही रहने देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी फाइल है वो बन चुकी है शॉर्टकट हमारा, तो मैं इसका आइकन चेंज कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये चेंज आइकन, इसके ऊपर जाने के बाद हम ओके करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आइकन आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं ये वाला रख लेता हूँ पावर ऑप्शन, ओके अप्लाई करके हम ओके कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसके ऊपर डबल टैप करता हूँ, ये देखिए स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी। इस तरह हमारा जो पीसी है वो टैप करते ही शट डाउन हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।